यूपीआई पिन बदलने या सेट करने के लिए कृपया 4 अंकों का यूपीआई पिन दर्ज करें जिसका आप ट्रांजैक्शन के समय उपयोग करेंगे। कृपया अपना यूपीआई पिन फिर से दर्ज करें। आपका यूपीआई पिन सफलतापूर्वक सेट हो चुका है। दोस्तों नमस्कार, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों यूपीआई पिन चेंज करना चाहते हैं या रिसेट करना चाहते हैं, वो भी बिना इंटरनेट की मदद से, वो भी कीपैड वाले फ़ोन में, तो बहुत ही आसानी तरीके से इस वीडियो को देखने के बाद आप चेंज भी कर सकते हैं, रिसेट भी कर सकते हैं, नया यूपीआई पिन भी बना सकते हैं। अगर छोटे वाले जो कीपैड वाले फ़ोन है ना, उससे भी आप यूपीआई पिन चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको यूपीआई में बैंक अकाउंट को ऐड करना पड़ता है, यानी कि लिंक करना पड़ता है। आप ये वीडियो को देख सकते हैं, इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताया गया है। और इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि किस तरह से आप स्मार्टफोन हो चाहे फीचर फ़ोन हो, दोनों का प्रोसेस सेम रहेगा, आप इसी प्रोसेस से यूपीआई पिन चेंज कर सकते हैं या रिसेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपना एटीएम कार्ड का डिटेल्स रखना, यानी कि डेबिट कार्ड आपने पास में रखना है, तभी आप ये चेंज कर पाएंगे। और जो आपके बैंक के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर है, वो भी आपके पास में होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताते हैं कि किस तरह से बिना इंटरनेट की मदद से आप यूपीआई पिन रिसेट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यूपीआई पिन रिसेट या चेंज करने के लिए ये जो आपको डिस्प्ले पे नंबर दिख रहा है, तो इस डिस्प्ले को नंबर को कहीं पे नोट कर लीजिए और कहीं पे इसे सेव भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोनों का प्रोसेस सेम रहेगा, चाहे आप कीपैड वाले फ़ोन में करें चाहे स्मार्ट वाले फ़ोन में करें। तो हमारे पास उपलब्ध कीपैड फ़ोन नहीं है, इसीलिए हम ये प्रोसेस आपको स्मार्टफोन में बता रहे हैं। आप इसी तरीके से कीपैड वाले यानी कि छोटे वाले फ़ोन में भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो है नंबर से कॉल लगाना है, जो आपके बैंक के साथ मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है, उसी नंबर से ये कॉल लगाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे कॉल लगा देते हैं, और जिस तरह से यहाँ पे प्रक्रिया कहा जाए उसी तरह से आपको फॉलो करना है, तो आपका यूपीआई पिन रिसेट या चेंज हो जाएगा। कुमार पंडित, अल्ट्रा कैश भीम वॉइस में आपका स्वागत है। अब आप किसी भी व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। रिचार्ज करें अपने मोबाइल को या अपना अकाउंट बैलेंस चेक करें इसी कॉल में बड़ी आसानी से। पैसे ट्रांसफर करने के लिए 1 दबाएं, अपना अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए 2 दबाएं, मोबाइल रिचार्ज करने के लिए 3 दबाएं, हैश दबाएं अपने अकाउंट को मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे आपको हैश दबाना है ताकि आप यूपीआई पिन सेट कर सकते। 1 दबाएं भाषा बदलने के लिए, 2 दबाएं अकाउंट की जानकारी के लिए, 3 दबाएं यूपीआई पिन बदलने या सेट करने के लिए। तो यहाँ पे यूपीआई पिन बदलने के लिए और सेट करने के लिए 3 दबाएं, 4 दबाएं, डेबिट कार्ड डिटेल्स प्रदान करके अपना यूपीआई पिन सेट करने के लिए 1 दबाएं। यूपीआई पिन सेट करने के लिए कृपया अपना डेबिट कार्ड साथ में रखें, 1 दबाएं जब आप अपनी डेबिट कार्ड डिटेल्स दर्ज करने के लिए तैयार हों। कृपया अपने डेबिट कार्ड के अंतिम 6 अंक दर्ज करें। तो आप अपने डेबिट कार्ड का यानी कि एटीएम कार्ड का जो है लास्ट का 6 अंक जो होता है वो आपको इंटर करना है। तो एटीएम कार्ड पे आपका पूरा नंबर लिखा रहेगा 16 अंक का, तो आपको लास्ट का 6 अंक ही इंटर करना है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन में बताया जा रहा है, ये लास्ट का 6 अंक होगा। तो इस तरह से आप अपने डेबिट कार्ड का यानी कि एटीएम कार्ड का इंटर कर सकते हैं। कृपया कार्ड एक्सपायरी डेट दर्ज करें, जनवरी 2021 के लिए दर्ज करें 01-2021। तो यहीं पे बहुत सारा व्यक्ति गलती क्या करते हैं एक्सपायरी डेट एंड ईयर देने में। तो यहाँ पे मैं आपको बता, दिसंबर 2024 यहाँ पे लिखा हुआ एक्सपायरी डेट एंड ईयर 12-24, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे, उसके बाद 24 के आगे 20 लगाएंगे, यानी कि 2024, यही आपको इंटर करना है। एक्सपायरी डेट 6 अंक का होना चाहिए। 6 अंकों का ओटीपी आपको आपके एसएमएस पर भेज दिया है, कृपया अपने बैंक से प्राप्त एसएमएस में ओटीपी को दर्ज करें। तो जो बैंक में रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस पे एक ओटीपी भेजा गया होगा, तो वो ओटीपी यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे कोई भी कट अंक नहीं करेंगे, ओटीपी को दर्ज करें। कृपया 4 अंकों का यूपीआई पिन दर्ज करें जिसका आप ट्रांजैक्शन के समय उपयोग करेंगे। कृपया अपना यूपीआई पिन फिर से दर्ज करें। आपका यूपीआई पिन सफलतापूर्वक सेट हो चुका है। मेन मेन्यू पर जाने के लिए स्टार दबाएं,
पिछले मेन्यू पर जाने के लिए हैश दबाएं। तो इस प्रोसेस से आप बिना इंटरनेट की मदद से जो है आप UPI पिन चेंज कर सकते हैं। अगर इस वीडियो के रिकॉर्डिंग कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पे मैंने एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है, किस तरह से आप जो है एक मोबाइल नंबर के जरिए से आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी कॉल करके और बिना इंटरनेट की मदद से। एकदम बहुत ही फास्ट सर्विस है और ये जो है फैसिलिटी उनके लिए है जो अभी तक लगभग माना जाए तो फीचर फ़ोन 40 करोड़ से अधिक यूज कर रहे हैं अभी इंडिया में, यानी कि जो कीपैड वाला फ़ोन है अभी भी 40 करोड़ उपयोग करता है। तो इसके ध्यान में रख के ये UPI 123 लॉन्च किया गया है RBI के तरफ से। तो ये बहुत ही इजी है, किसी को भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आपको एक गाइडलाइंस मिलता है कि आपको मनी ट्रांसफ़र करने के लिए एक दबाइए और UPI पिन डालने के लिए दो दबाइए, तो इस तरह से आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उस पर एक मैंने पूरी तरीके से वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।